वेलकम टू लेट्स लर्न विद पूजा। सो लेट्स स्टार्ट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन फ्रॉम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हाइल इट इज़ डाउटफुल इफ एनी न्यू स्पीसीज आर बीइंग एडिड थ्रू स्पेसिएशन इनटू द अर्थ्स ट्रेजरी ऑफ स्पीसीज। देखिए, जब भी अर्थ के खजाने में, किसके खजाने में, अर्थ के स्पीसीज के खजाने में कोई नई स्पीसीज ऐड होती है या ऐड की जाती है, और स्पीसीज के फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्पेसिएशन, तो देर इज नो डाउट अबाउट देयर कंटेनिंग लॉसेस। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि उनका कंटिन्यू क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यानी कि अगर कोई नई स्पीसीज क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि जो ऑलरेडी स्पीसीज हैं उनका भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ अवर, देखिए बायोलॉजिकल वेल्थ का मतलब, वेल्थ का मतलब धन, खजाना जो भी है, और बायोलॉजिकल यानी बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अक्रेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हमारे लिए क्या है, बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ अवर प्लैनेट यानी कि अर्थ हैज़ बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड द अक्यूजिंग फिंगर। तो जो हमारी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो क्या हो रही हैं, वो डिक्लाइन हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं रैपिडली, और जो अक्यूजिंग और जो दोषी फिंगर है वो किसकी तरफ है, इस क्लियरली पॉइंटिंग टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जो हमारी स्पीसीज कम हो रही हैं पृथ्वी पर, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं उनकी, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, हमारी एक्टिविटीज़, ह्यूमन की एक्टिविटीज़। द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाई ह्यूमैन इज सेट टू हैव लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है कि भाई किस तरीके से ह्यूमैन एक्टिविटीज़ के थ्रू स्पीसीज का एक्सटेंशन हो रहा है। तो जो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन में जो पैसिफिक प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, तो उसमें जो आइलैंड्स हैं, उसमें काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे ह्यूमन इज सेड टू हैव, हाँ, तो वहाँ पर ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि आइलैंड पे तो मानव भी रहते हैं, तो क्या है वहाँ पर 2000 से ज़्यादा वहीं के जो नेटिव बर्ड्स हैं, ठीक है, उसी एरिया के जो नेटिव बर्ड्स हैं उसी आइलैंड, उन्हीं आइलैंड्स की, तो उनकी कितनी स्पीसीज लॉस हो चुकी हैं, 2000 से भी ज़्यादा। द IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन अक्टूबर 1948। क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा सा IUCN के बारे में हमें जानना ज़रूरी था। और ये क्या है, दिस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर हम IUCN का जो है हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्ज़रलैंड में, और अगर हम इंडिया की बात करें तो वो दिल्ली में है। जो इंडिया है वो इसका मेंबर बना 2007 में। क्लियर। तो अगर हम एम की बात करते हैं, IUCN के एम की बात करते हैं, तो ये इन्फ्लुएंस करती है, इनक्रेज करती है और हेल्प करती है सोसाइटीज़ को, यानी लोगों को थ्रू आउट द वर्ल्ड ये लोगों को क्या करती है, हेल्प करती है, उन्हें इनक्रेज करती है, इन्फ्लुएंस करती है, क्या टू कंजर्व, ताकि संरक्षित हो क्या, इंटीग्रिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचर, किसी भी नेचर की उसका एकीकृत और उसका जो डाइवर्सिटी है वो क्या हो, कंजर्व हो, एंड टू एंश्योर दैट एनी यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, की नेचुरल रिसोर्स का जो यूज़ है वो क्या हो, इक्विटेबल हो, समान रूप से हो, और इकोलॉजिकली क्या हो, यूज़फुल हो, इकोलॉजिकली संस्टेबल हो, इन वेस्टेज ना हो। IUCN इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ग्लोबल और इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने इसके बारे में आपको ये डिटेल भी दे दी है। नाउ आगे जो आगे बढ़ते हैं, तो जो IUCN है वो एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसने जो रेड लिस्ट जारी की है इन 2004 डॉक्यूमेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज। तो अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट 2004, इसके अकॉर्डिंग कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, 784 इतनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू दिस
IUCN रेड लिस्ट। ओके, अब देखिए 784 में इसके अंदर अब क्या क्या है, 338 यानी 338 स्पीसीज किसकी हैं, वर्टिब्रेट की हैं। ओके, 359 स्पीसीज किसकी हैं, इनवर्टिब्रेट की हैं, और 87 क्या है, प्लांट हैं। ठीक है, इन द लास्ट 500 ईयर्स, पिछले 500 वर्षों में टोटल कितनी स्पीसीज अकॉर्डिंग टू द IUCN लॉस्ट हो चुकी हैं, 784, जिनमें कि हमने वर्टिब्रेट देखे, इनवर्टिब्रेट देखे और प्लांट देखे। तो ये एक डेटा है जो कि इस चीज़ को हम याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सम एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटेंशंस इंक्लूड, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए हैं, जो एनिमल्स रिसेंटली अब हाल ही में एक्सटिंक्ट हुए हैं, तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि डोडो, डोडो है, क्वागा है, और ये मॉरिशस, डोडो कहाँ से, मॉरिशस से है, और ये जो एक्सटेंशन है ये वर्ल्ड वाइड है। तो चलिए देख लेते हैं, क्वागा है अफ्रीका से है, थाइलिस इन ऑस्ट्रेलिया से है, स्टिलर्स सी काओ ये रशिया से है। तो इन सब के जो पिक्चर्स हैं वो हमने दिए हुए हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके देख लेते हैं। देखिए, दिस इज़ द थाइलिसिन, ये थाइलिसिन है जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, और डोडो है ये मॉरिशस से है, और स्टिलर्स सी काओ ये दिया हुआ है, नेक्स्ट है क्वागा जो कि अफ्रीका से है। तो ये स्पीसीज जो हैं अब नहीं रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और जो ये स्टिलर सीकाओ है ये कहाँ से है, रशिया से है। द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 वर्षों की अगर हम बात करें, अलोन हैव विटनेस्ड द डिसअपीयरेंस ऑफ 27, सॉरी ये थोड़ा सा आगे हो गया, देखिए, एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ क्या, टाइगर, और टाइगर की 3 सब स्पीसीज ये भी क्या हो चुकी हैं, ये भी लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, बाली, जावन और कैस्पियन। द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 वर्षों में हैव अलोन हैव विटनेस द डिसअपीयरेंस ऑफ 27 स्पीसीज, तो पिछले 20 वर्षों में 27 स्पीसीज जो हैं वो क्या हो चुकी हैं, लॉस्ट हो चुकी हैं। केयरफुल एनालिसिस, देखिए थोड़ा सा 3 सब स्पीसीज जो हैं किसकी, टाइगर की, उसके बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बालिनीज टाइगर्स, ये है पैंथेरा टिग्रिस बेलिका, तो यहाँ पर जो टिग्रिस है वो स्पीसीज हो गई, पैंथेरा जीनस है, पैंथेरा क्या है यहाँ पर, जीनस है, टिग्रिस क्या हो गई, स्पीसीज हो गई, और बेलिका क्या हो गई यहाँ पर, सब स्पीसीज हो गई। क्लियर, ऐसे ही कैस्पियन टाइगर्स हैं, पैंथेरा टिग्रिस विरगाटा, तो विरगाटा क्या है यहाँ पर, सब स्पीसीज हो गई। ठीक है, एंड जावियन स्पीसीज, तो जावियन टाइगर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, सोनडियाका, सोनडियाका, ठीक है। ऑल 3 स्पीसीज हैव बीन एक्सटिंक्ट फॉर एटलीस्ट 3 डिकेड, तो पिछले 3 दशकों में ये जो स्पीसीज हैं किसकी, सब स्पीसीज सॉरी टाइगर की, वो क्या लॉस्ट हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर हम केयरफुली सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते हैं रिकॉर्ड्स का जो हमारे पास में है, तो वो ये हमें रिकॉर्ड किसके, एक्सटिंक्शंस के रिकॉर्ड्स, तो वो ये हमें दर्शाते हैं दैट एक्सटिंक्शंस अक्रॉस टैक्सा आर नॉट रैंडम, कि अक्रॉस द टैक्सा का मतलब है यहाँ पे टैक्सोनॉमिक ग्रुप, यानी कि जो भी हमारे ग्रुप टैक्सोनॉमिक ग्रुप है वेरियस, जैसे कि फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो ये सब क्या हैं, दीज आर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स। ठीक है, तो एक्सटिंक्शन जो है वो रैंडम नहीं है, आर नॉट रैंडम। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, सम ग्रुप्स लाइक जैसे कि एम्फीबियन अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि जो ज़्यादा संवेदनशील हैं, वो क्या है, ज़्यादा संवेदनशील है किसके, टूवर्ड्स द एक्सटेंशन। नेक्स्ट, तो अगर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जो ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा संवेदनशील है किसके प्रति, विलुप्त होने के प्रति, तो आंसर हमारा होगा एम्फीबियन। ठीक है, नाउ एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के ये दुख भरा जो सिनेरियो है, जो सीन है, इसमें थोड़ा सा हम कुछ ऐड करते हुए, इज़ द फैक्ट दैट मोर देन
15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शंस। ठीक है, तो अब जो चीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है वो तो हो चुकी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हुए अगर हम देखें कि भाई क्या सीन है अभी, तो वर्ल्ड वाइड अभी रिसेंटली 15,500 स्पीसीज ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्शन के खतरे को फेस कर रही हैं, यानी दे आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल द वर्ल्ड, तो अगर हम इसमें देखें 12% ऑफ ऑल द, जितनी भी चिड़ियाँ हैं उनका कितना 12%, जितनी भी चिड़ियाँ हैं उनका 12%, 23% ऑफ ऑल मैमल्स स्पीसीज, और जितने भी मैमल्स हैं उनमें से लगभग कितना 23%, 32% ऑफ ऑल द एम्फीबियन स्पीसीज, एम्फीबियन स्पीसीज का 32%, एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। तो यहाँ पर हमें जो डेटा दिया हुआ है ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, कितने मैमल्स कितने बर्ड्स, तो उसमें बताया गया है कि भाई अगर टोटल जितनी भी चिड़ियाँ हैं उन चिड़ियाओं का केवल 12% चिड़ियाँ क्या है फेस कर रही है किसको, एक्सटिंक्शन, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि वो दे आर एट द रिस्क ऑफ क्या, एक्सटिंक्शन। ओके, तो अगर हमने जल्दी कुछ इनके कंजर्वेशन के लिए अगर स्टेप्स नहीं उठाए तो दे विल कंटिन्यू टू एक्सटिंक्ट। अब हम बात करते हैं आगे, तो होपफुली यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फ्रॉम ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड, अगर हम अर्थ की जो हिस्ट्री है, हमारे अर्थ का जो इतिहास है, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं किसके अकॉर्डिंग, सॉरी किसके हेल्प से, थ्रू द फॉसिल रिकॉर्ड्स, जीवाश्म, जीवाश्म क्या होते हैं, जीवों के अंश, ठीक है, यानी वो एनिमल्स या प्लांट्स जो हजारों लाखों करोड़ों साल पहले मर गए थे, और उनके अगर जैसे पहाड़ों में, चट्टानों में या मिट्टी की लेयर में कहीं पर भी अगर जैसे खुदाई के दौरान या कुछ भी ऐसे उनका कोई अंश मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है, जीवाश्म। तो हम उस जीवाश्म की, उन जीवों के अंशों की स्टडी करके हम एनिमल का थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि वो एनिमल कितने साल पुराना था, किस टाइप का एनिमल रहा होगा, जैसे एनिमल्स की हड्डियाँ वगैरह रह जाती हैं या उनका कुछ भी कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट जो कि क्या कहते हैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। वी लर्न दैट, हम ये पढ़ते हैं कि क्या लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीसीज लाइक द वन वी आर करंटली विटनेसिंग हैव ऑल्सो हैपेंड अर्लियर। तो देखिए पहले भी क्या कहते हैं, अगर हम फॉसिल रिकॉर्ड की स्टडी करें तो हम ये पाएंगे कि जो लार्ज स्केल स्पीसीज का लॉस है जो हम अब देख रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं, वो पहले भी होता था, इवन बिफोर ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द सीन, यानी स्पीसीज का जो एक्सटिंक्शन है वो आज की बात नहीं है, वो पहले भी होता था, वो तब भी होता था जब मानव पृथ्वी पर नहीं था, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, यानी कि अगर हम बात करते हैं समय की तो लगभग 3 बिलियन ईयर्स, कितना, 3, यानी 3 करोड़ साल पहले, ठीक है, क्या था, सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ देयर वर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटेंशन ऑफ द स्पीसीज, यानी कि हम अगर हम 3 करोड़ साल पहले से लेके अब तक अगर हम बात करते हैं तो हम 5 बार स्पीसीज का एक्सटिंक्शन देख चुके हैं, कितनी बार, 5 बार। हाउ इज़ द 6th एक्सटिंक्शन प्रजेंटली, और जो छठा दौर है किसका, एक्सटिंक्शन का, प्रजातियों के विलुप्त होने का जो छठा दौर है, प्रजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड, तो क्या वो जो पहले जो 5 बार ऑलरेडी स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं 5 उसमें, तो क्या ये जो छठा है क्या वो उससे डिफरेंट होगा, द डिफरेंस इज इन द रेट। अब देखिए डिफरेंस क्या है, वो किस में है, रेट में है, कैसे, द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट आर एस्टिमेटेड टू 100 to 1000 times फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम, यानी पहले जो 5 बार एक्सटिंक्शन हो चुका है अगर हम उससे कंपैरिजन करें, अब जो एक्सटिंक्शन हो रहा है उसका तो हमें डिफरेंस मिलेगा किस में, रेट में मिलेगा, कि अब जो एक्सटिंक्शंस हो रहे हैं वो 100,000 गुना ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं इन कंपेरिजन टू द बिफोर एक्सटिंक्शंस जो कि हो चुके हैं, क्लियर। एंड अवर एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट, और इसका कारण क्या है, अब इतनी तेज़ी से एक्सटिंक्शंस क्यों हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, हमारी एक्टिविटीज़, ह्यूमन की एक्टिविटीज़। इकोलॉजिस्ट वॉर्न दैट, जो इकोलॉजिस्ट हैं यानी परिस्थिति की विद है ना, वो क्या वॉर्न करते हैं, दैट इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू, अगर प्रेजेंट में जैसे
जो ट्रेंड चल रहा है स्पीसीज के एक्सटिंक्शंस का, जो रेट है, अगर वो कंटिन्यू रहा, ठीक है ना, तो नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन द अर्थ की पृथ्वी पर कम से कम कितनी, नियरली हाफ ऑफ द स्पीसीज माइट बी वाइट अप टू, मतलब लगभग पृथ्वी पर मौजूद जो आधी, लगभग आधी स्पीसीज क्या हो जाएंगी, विप्ड आउट हो जाएंगी, यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगे विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स, आने वाले 100 वर्षों में। तो ये चीज़ हमें बताई गई है कि भाई कितनी बार जो एक्सटिंक्शंस है वो हो चुका है, अभी छठा दौर चल रहा है, और अगर हम इसी ट्रेंड से अपनी एक्टिविटीज़ हम करते रहे, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं हमारी स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट करने में हेल्पफुल हैं, यानी जिनकी वजह से स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन हो रहा है, अगर ये एक्टिविटीज़ ऐसे ही चलती रहीं तो आगे आने वाले 100 वर्षों में हम अपनी पृथ्वी पर मौजूद हाफ ऑफ द स्पीसीज़ को खो चुके होंगे। चलिए, इन जनरल लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी इन ए रीजन में लेड टू, अब देखिए अगर बायोडायवर्सिटी लॉस होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जनरली अगर बायोडायवर्सिटी यानी स्पीसीज की संख्या कम होती है, प्रजातियों की संख्या कम होती है, तो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। नंबर 1, डिक्लाइनिंग इन प्लांट प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है अगर प्लांट की स्पीसीज कम होंगी तो उनका प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। लोअर्ड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल परट्यूबेशंस, और जो हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर क्या, ड्रॉथ यानी कि सूखा, जाहिर सी बात है अगर पेड़ों की संख्या कम होगी तो उसका कहीं इनडायरेक्टली लिंक किससे है, बारिश, बारिश बारिश से है, और बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम, एक क्या आ जाएगी, वेरिएबिलिटी, वेरिएशंस आ जाएंगे किसमें, इकोसिस्टम की जो प्रोसेस होती है, जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी, यानी प्लांट प्रोडक्टिविटी क्या है, घट जाएगी। अगर देखिए कोई भी हम इकोसिस्टम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक घास का मैदान ले लिया है, क्लियर, वो एक इकोसिस्टम है, एक फील्ड है, और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर आर द प्लांट्स। अगर प्लांट्स का ही अमाउंट कम हो जाएगा, प्लांट्स की नंबर ऑफ स्पीसीज कम हो जाएंगी, प्लांट की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो क्या होगा, प्लांट को खाने वाले क्या है, जितने भी हर्वी हो रहे हैं, जितने भी प्लांट ईटर हैं, कोई भी हो, चाहे वो कोई इंसेक्ट हो, कोई एनिमल हो, तो उनके लिए खाना, उनके लिए रिसोर्स कम पड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कॉम्पिटिशन हो जाएगा, कॉम्पिटिशन में तो लॉस ही होता है, तो उनकी स्पीसीज पर भी असर पड़ेगा, और उनको खाने वाले जो हैं, जो कार्निवोर हैं, उनको भी खाने वाले हैं, उनकी स्पीसीज पर भी, तो कहीं ना कहीं एक वेरिएशन का जो रेट है, वेरिएबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, क्लियर, कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, नंबर ऑफ स्पीसीज दे आर दे विल डिक्लाइन। वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स, तो कहीं ना कहीं जितनी भी देखिए इन्वायरमेंट में, किसी भी इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं, तो अगर किसी एक स्पीसीज में कुछ वेरिएशन आता है, कुछ बदलाव आता है, तो उसके साथ में, उसके इंटरेक्शन में जो दूसरी स्पीसीज है उसमें भी क्या आएगा, बदलाव आएगा, उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेस की, तो बायोडायवर्सिटी लॉसेस के क्या क्या कारण हैं, तो सबसे पहला एक कारण तो हमने पढ़ ही लिया है, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटी, हमारे कृत्यों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा जो स्पीसीज है वो क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। तो चलिए इसको हम अच्छे से कर लेते हैं, द एक्सीलरेटेड रेट, एक्सीलरेटेड यानी तीव्र गति से जो रेट है, किसका, तीव्र गति से क्या, स्पीसीज के एक्सटिंक्शन का जो रेट है, दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, फिर से वही बात आ गई क्या, कि भाई स्पीसीज का जो एक्सटेंशन है किसकी वजह से हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। देयर आर 4 मेजर कॉज, अगर हम कॉज की बात करते हैं इंक्लूडिंग द ह्यूमन एक्टिविटी, तो कितने हैं, 4 मेजर कॉज है, 4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से दिन पे दिन जो स्पीसीज हैं वो क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। द एवल क्वाड्रेंट, और इन 4 रीजन को एक निक नेम दिया है, क्या है, एवल क्वाट्रेट, ठीक है, इज द सॉर्बिक्विट यूज टू डिस्क्राइब दैम, तो उनको एक उपाधि दी गई है, उपाधि इन 4 कारणों को कलेक्टिवली एक नाम दिया है, एक उपाधि दी है, सॉर्बिक्विट का मतलब है निकनेम देना, उपाधि देना, और वो नाम क्या है, एविल क्वाट्रेट, क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई डिस्कस द एविल क्वाट्रेट या डिस्क्राइब या एक्सप्लेन द एविल क्वाट्रेट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीसीज डाइवर सॉरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये
इसका मतलब एविल क्वाड्रेंट कोई नई चीज़ नहीं है। एविल का मतलब होता है बुरा, क्वाड्रेंट यानी चार बुरी चीज़ें जिनकी वजह से स्पीसीज लॉस हो रही है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की। हैबिटेट लॉस, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल आवास, नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग। ठीक है, अगर हम मान के चलो कोई जंगल है, जंगल में ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी हैं, और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। ट्रीज हैं तो एनिमल्स भी होंगे, तो एनिमल्स वहाँ पे नेचुरली रह रहे हैं। ठीक है, तो उनका नेचुरल हैबिटेट हो गया। ट्रीज क्या हो गया, अगर हम पेड़ को काट देंगे तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब वो एनिमल्स कहाँ जाएंगे, वो चिड़ियाँ कहाँ जाएंगी, वो बंदर कहाँ जाएंगे, क्लियर, वो इधर उधर कहीं ना कहीं भटकेंगे। ठीक है, और जब वो इधर उधर अपने नेचुरल हैबिटेट के लॉस हो जाने पर इधर उधर जाएंगे, तो हो सकता है उनके साथ में कुछ इन्वायरमेंटल इशू हो, कुछ प्रॉब्लम हो जो उनकी मौत का कारण बने। एंड फ्रेगमेंटेशन, तो चलिए इसमें हम समझते हैं कि क्या चीज़ है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। तो ये सबसे पहला जो कॉज है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है किसके लिए, फॉर ड्राइविंग हाँ एनिमल, जो कि प्लांट या एनिमल को एक्सटिंक्शन की तरफ ले जा रहा है। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इसका जो एग्जाम्पल है वो कहाँ से है, एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्लियर। वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, कभी वो पूरे अर्थ के लैंड सरफेस का कितना कवर करते थे, 14%, लेकिन अब ये कितना रह गया, केवल 6%। यानी ट्रॉपिकल लैंड फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है, ठीक है, जो एरिया परसेंटेज है, वो 14 से घट के कितना हो गया, 6%, क्योंकि वहाँ पर मानव ने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया। ठीक है, और वहाँ पर खेती के पर्पज़ से या रहने के पर्पज़ से, ठीक है, या बिजनेस के पर्पज़ से या कैश क्रॉप उगाने के पर्पज़ से, तो जंगलों को काट रहे हैं और उनको फील्ड बना रहे हैं और उनको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर आवर पर्पज़, फॉर आवर बेनिफिट, क्लियर। तो इस तरीके से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनका जो एरिया है अब वो काफ़ी कम रहे।